हेलो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मज़े में होंगे। डेफिनेटली आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करने की, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इसको LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को भी और आपको भी बेनिफिट मिलता चला जाएगा। हमें एनर्जी मिलती है, हम कई बार बोलते हैं, हम हर लेक्चर में यही बोलेंगे, जो चीज़ हमें मिलती है एनर्जी वो हम ज़रूर बोलेंगे। और आप लोगों को कंटेंट मिलता है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने में ध्यान लगाइए। टाइम धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, हाथ में से टाइम निकलता जाएगा। आप धीरे धीरे हमारे साथ करते जाएंगे पढ़ाई, तो हम आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की कोशिश करते हैं और कंटेंट डालेंगे इसमें। बोर्ड पर फोकस है हमारा मेनली। भाई बोर्ड ही नहीं होगा ढंग से तो आगे कैसे काम चलेगा? बेसिक है ये सब, बेसिक्स पर ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि हमारे पास सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड ही है, और इसमें हम सॉल्यूट सॉल्यूट या तो सॉलिड डाल सकते हैं या फिर लिक्विड डाल सकते हैं। एक पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉल्यूट अगर गैसेस होगा तो राउल्ट्स लॉ, सॉरी तो हम हेनरीज लॉ ऑलरेडी कर चुके हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हम कर चुके हैं इस वाले पार्ट पर। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की, लेकिन उसमें जाने से पहले कुछ बेसिक सी और इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं। तो जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन आर फाउंड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, जैसा हमने यहाँ बता दिया। द सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो सॉल्यूट यहाँ आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। एंड सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड ऑलरेडी बीन डिस्कस, तो ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज हेनरीज लॉ। अब हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट यानी बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसमें हमारे पास ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। ये वाले पार्ट से मतलब हो गया हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। जब हम सॉल्वेंट ले लेते हैं लिक्विड को, सॉल्वेंट हमने लिया लिक्विड, तो ये कंपोनेंट तो हमारा वॉलेटाइल है ही, चाहे कम वॉलेटाइल या ज्यादा वॉलेटाइल, लेकिन ये तो वॉलेटाइल रहेगा ही। लेकिन जब हम सॉल्यूट को सॉलिड लेते हैं तो ये हमारा होता है नॉन वॉलेटाइल। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट लिया लिक्विड तो ये हो गया हमारा वॉलेटाइल। मतलब ये कि जब हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, यहाँ सॉल्वेंट लिख देते हैं और यहाँ सॉल्यूट लिख देते हैं, तो सॉल्यूट वॉलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट वॉलेटाइल, सॉल्वेंट वॉलेटाइल। तो लिक्विड हमारा यहाँ पर वॉलेटाइल रहेगा। तो सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे हम यहाँ? बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। कंटेनिंग लिक्विड इन लिक्विड, तो सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉल्वेंट लिक्विड लेकिन सॉल्यूट सॉलिड होगा। बस यहां पर यह बताया गया है कि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा, लिक्विड होगा, सॉल्यूट वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल यानी सॉलिड या लिक्विड में से कुछ भी हो सकता है, बाइनरी होगा। अब हम अगले पेज पर आए तो अगला पेज, अगला कंटेंट क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन
का वेपर प्रेशर, ये देखिए यहाँ लिखा है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट 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 लिया है लिक्विड, और सॉल्यूट भी ले लिया है लिक्विड। जैसे अगर आपने पानी में अल्कोहल मिला दिया, दोनों ही लिक्विड है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। आपने मान ले बेंजीन के अंदर टॉलीन मिला दिया CH3, तो बेंजीन की फिजिकल स्टेट लिक्विड और टॉलीन की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड ही होगी। तो अब ये यहाँ किस बारे में बात कर रहा है, ये किस बारे में बात कर रहा है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, बहुत टफ नहीं है, आसान सा है, हम आसान सी लैंग्वेज में इसको समझाने की आपको पूरी भरसक प्रयत्न करते हैं। ये हमने लिया एक वॉलेटाइल लिक्विड ए, और इसको यहां इस तरीके से बंद किया हुआ है, और दूसरा एक और लिक्विड ले लिया आपने बी, मतलब आपने जैसे मान लो बेंजीन और टॉलीन ले लिया, तो इसको हम थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। इसका जो कैप है, कवर है, वो भी अलग हो गया, ये हो गया जी हमारा बंद। तो इस पैराग्राफ में जो कहा गया है, पहले हम उसको समझाते हैं आपको क्या है। ये हमारे पास मान लो कंपोनेंट वन है और ये कंपोनेंट टू है, और बोथ आर इन द लिक्विड स्टेट, फिजिकल स्टेट इनकी है लिक्विड, लिक्विड में ही लिक्विड है, तो बोथ कैन इवेपोरेट, तो इसकी भी वेपर्स बनती रहेंगी यहां पर, और लिक्विड टू की भी वेपर्स बनती रहेंगी। तो धीरे धीरे लिक्विड इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जो वेपर्स बनेंगी, यहां जो ये वेपर्स हैं और यहां जो ये वेपर्स हैं, ये कंडेंस होने लग जाती हैं। ज्यादा वेपर्स बनेंगी, कंडेंस होंगी, और कंडेंस होकर नीचे की तरफ आने लगती हैं। सेम इन द सेकंड केस, ये लिक्विड इवेपोरेट होगा, वेपर्स बनेंगी, और जब लिक्विड वेपर्स कंडेंस होने लगेंगी ये ऐसे, तो ये कंडेंस होकर इधर आ जाएगी। मतलब इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होते रहेंगे, और जब इवेपोरेशन की रेट यानी ऊपर जाने की रेट और कंडेंसेशन की रेट यानी नीचे आने की रेट बराबर हो जाए, तब हम उसको कहेंगे कि ये किसमें आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हम कई बार इस वर्ड को यूज कर चुके हैं, तो हमें लिखना चाहिए यहां कि व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ जाएगा इवेपोरेशन में और कंडेंसेशन में, उस मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस समय जो भी वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर या इसकी वेपर्स लिक्विड सरफेस पर प्रेशर इंपार्ट कर रही होंगी, उनको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इन प्योर स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ टू इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब अभी हमने लिक्विड वन और टू को मिलाया नहीं, हमने लिक्विड वन और लिक्विड टू को यहां पर मिक्स नहीं किया है, अभी हम मिक्स करके इसका बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमने अभी तक इतना देखा, क्या देखा, हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं इस बात को, क्या कि हमने एक लिक्विड लिया वन, लिक्विड लिया टू, इसमें लिक्विड वन भी वॉलेटाइल है, टू भी वॉलेटाइल है, और जब इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम आएगा। उस समय इक्विलिब्रियम के समय वेपर्स वन की जो सरफेस पर प्रेशर इंपार्ट कर रही होंगी उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और बी की जो वेपर्स लिक्विड सरफेस पर प्रेशर इंपार्ट कर रही होंगी उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, एंड बोथ आर इन द प्योर स्टेट। अब हम इन दो को क्या कर रहने वाले हैं, मिलाने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं, और ध्यान रखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको नहीं भूलना, कंटिन्यू
कंटेंट नहीं भूलना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं भूलना है। अब हमने क्या किया, इन दो को यहाँ बड़े बर्तन में, बड़े कंटेनर में मिला दिया। तो हम क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं, ये हमने ये बना दिया, ठीक है, और थोड़ा सा ग्रीन भी डाल देते हैं, हरा रंग डाला, ये डाल दिया जी। मतलब अब हमारे पास ये क्या बन गया, अब ये हमारे पास बन गया है एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया है जो वन और टू कंपोनेंट को मिलाकर है, और इसका यहाँ कवर लगा दिया। अब कंपोनेंट ए भी इवेपोरेट करता है और बी भी इवेपोरेट करता है क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड डाले, लेकिन अब ए और बी का इवेपोरेशन एक साथ हो रहा है और एक दूसरे की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बिल्कुल डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ वेपर्स बनाते हैं वन कंपोनेंट की और कुछ वेपर्स बनाते हैं सेकंड कंपोनेंट की। चलिए ग्रीन कलर से बनाते हैं, लाल और ग्रीन कैसा होता है, कंट्रास्ट होते हैं तो दिखते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हमारे पास अब यहाँ मिक्सचर की वेपर्स आ गई। किसकी वेपर्स आ गई, वेपर्स ऑफ वन कंपोनेंट प्लस टू कंपोनेंट, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू को मिला करके, ये बन गया अब हमारे पास। तो अब इसको हम अगले पृष्ठ पर, नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखिए क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर हम यहां पर एक नाम लेने वाले हैं और वो नाम है फ्रेंच साइंटिस्ट, किसका नाम है, राउल्ट्स लॉ, फ्रेंच साइंटिस्ट है, नाम इज इंपॉर्टेंट, मतलब राउल्ट्स लॉ, इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या दिया था इसने, इसने कहा था क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप टू, किसके बीच में, अगर हम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट टू को मिला देते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर किया, एक बार नजर मार लेते हैं इस वाली स्लाइड पर किया। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने दो कंपोनेंट को मिला लिया था, ठीक हो गई थी, तो हमने ये लीजिए दो कंपोनेंट को मिलाया था, ये एक हमारे पास ऐसा था और एक ये पार्ट था ब्लू ग्रीन, राइट, और ऊपर हमने यहां इसको एक लिड लगा दिया था, इसे बंद कर दिया था, एंड बोथ द कंपोनेंट आर वॉलेटाइल। तो एक ही वेपर्स भी मिल गई थी आपको यहां पर और बी की वेपर्स भी मिल गई थी, इतने पार्ट को हमने फिर से यहां पर लिया। ये थी हमारे पास लिक्विड स्टेट और ये थी हमारे पास वेपर स्टेट। इसमें कंपोनेंट वन और टू दोनों हैं, वेपर में भी और लिक्विड में भी, वन और टू दोनों हैं, मतलब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब वेपर्स बनती हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, ये कहता है फ्रेंच साइंटिस्ट राउल्ट्स लॉ। हम रिपीट करते हैं, व्हेन वी मिक्स टू वॉलेटाइल लिक्विड वन एंड टू, दो वॉलेटाइल लिक्विड ए वन और टू को मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, तब सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन आता है, वेपर का जो प्रेशर आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन आता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मोल फ्रैक्शन लेना कहाँ पर है, लिक्विड स्टेट में, ये यहाँ पर। इसी तरीके से बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स टू, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है पी नॉट ऑफ वन इंटू एक्स वन, ये है राउल्ट्स लॉ। अब पी नॉट ऑफ वन क्या था, पी नॉट ऑफ वन, हम फिर से प्रीवियस स्लाइड पर जाएंगे, पी नॉट ऑफ वन वो वेपर प्रेशर है जब वो किस स्टेट में था, प्योर था, मिलाया नहीं था, और पी नॉट ऑफ टू ये भी कब है, प्योर में, ध्यान से समझना। और यहां हमने लिखा है पी वन, पी वन हमारे पास है, पी वन हमारे पास है पार्शियल प्रेशर,
पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर यानी पी वन और पी नॉट वन में फर्क क्या है? पी वन पार्शियल प्रेशर तब है कंपोनेंट का जब वो कंपोनेंट टू के साथ मिल गया है, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद का वेपर प्रेशर है। और पी नॉट वन कब का है? ये है सिर्फ वेपर प्रेशर व्हेन इट इज नॉट इन द सॉल्यूशन फॉर्म, इट इज इन द प्योर फॉर्म। इस तरीके से मिक्स होने के बाद वेपर प्रेशर चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये है प्योर फॉर्म। इसी तरीके से पी टू हमारे पास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर व्हेन द कंपोनेंट टू इन द सॉल्यूशन फॉर्म, और पी नॉट टू क्या होगा? वेपर प्रेशर व्हेन इट इज इन द प्योर फॉर्म। राइट, तो जब राउल्ट्स लॉ ने कहा तो उसने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड स्टेट। ये इक्वेशन वन लिख सकते हैं, या जैसे इन्होंने यहां लिखी 2.12, ये वाली इक्वेशन। और इसी तरह से कंपोनेंट टू भी ले आते हैं, वो होगा पी टू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, यानी पी टू इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू इन द सॉल्यूशन फॉर्म इज ऑफ द वेपर्स इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। तो ये जो मोल फ्रैक्शन लेना है लिक्विड का लेना है, और पी टू वेपर प्रेशर लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है, पार्शियल प्रेशर। तो पी टू इज नाउ अगेन इक्वल टू पी नॉट टू इंटू एक्स टू, ये इक्वेशन टू बन गई, और इनके हिसाब से बन गई 2.13। तो देखो यहां लिखा है, अब हम पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ। इस रिलेशनशिप विच स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, अंडरलाइन किया हमने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये रहा वो रिलेशन वेयर पी नॉट वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जैसा हमने लिखा था प्योर फॉर्म वन एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नहीं बदलना है। सिमिलरली फॉर कॉम्पोनेंट टू पी टू इज इक्वल टू पी नॉट टू इन टू एक्स टू, वेयर पी नॉट टू रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन सेकेंड फॉर्म। तो ये था हमारे पास राउल्ट्स लॉ, लेकिन राउल्ट्स लॉ को हमें अभी मिला देना है किसके साथ? हमें मिला देना है इसको डॉल्टन्स लॉ के साथ, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं। इसको एनलार्ज कर लिया हमने थोड़ा सा, ये हो गया एनलार्ज, और फिर से एलएसएस भूल गए बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पढ़ने में इतना मशगूल हो जाएंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, कोई लाइन मिस नहीं होगी, ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आराम से बैठिए और समझने में ध्यान लगाइए, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं हमसे ज्यादा मेहनत करके दिखाइए आप लोग। तो अब हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, 11वीं में, 11th में किया है हमने, गैस स्टेट में। डाल्टन्स लॉ कहता है, हम रिकैपिटुलेट रिपीट कर देते हैं भाई, इसमें दोहरा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कि अगर हमारे पास गैसियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर है, और गैस ए है हमारे पास, गैस बी है हमारे पास, गैस सी है, तो मिक्सचर में इस गैस का पार्शियल प्रेशर पी ए, इस गैस का पार्शियल प्रेशर पी बी, और इस गैस का पार्शियल प्रेशर पी सी होगा। तो पी टोटल इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ऐसे आता है। और गैसेस हैं तो पी डी, पी ई, पी एफ, पी वन, पी टू, कुछ भी ऐड करते जाएंगे जितनी गैसेस होंगी नॉन रिएक्टिव। एक तो रूल ये था। दूसरा पॉइंट था डाल्टन्स लॉ का, सेकंड रूल भी बताया था कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए या बी या सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना होगा आपको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इंटू टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये वाला। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखना हो आपको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इंटू पी टोटल।
ये दो रूल को हमें यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम जैसे बात करके आए कि हमने स्लाइड ली है, फिर से हाँ प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, हमें बार बार बनाने में कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप समझने में ध्यान लगाइए। कोई आपको सजेशन देना हो तो मोस्ट वेलकम फॉर दैट सजेशन। ये हमने सॉल्यूशन बना लिया और यहाँ इसको बंद कर दिया हमने ऐसे, ये हो गया जी बंद इसका मुंह। और यहाँ पर वेपर्स हैं ए की और बी की, राइट। तो इस गैसियस फॉर्म के लिए आप डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं गैसेस के लिए, फॉर गैसियस मिक्सचर। देखिए यहाँ तो अब अगर हम डाल्टन्स लॉ देखें तो हमारे पास यहाँ कंपोनेंट वन था और कंपोनेंट टू था, जिसका पार्शियल प्रेशर था पी वन और पी टू। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि पी टोटल इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पी वन प्लस पी टू, और पी वन की वैल्यू हमारे पास थी कितनी, पी नॉट वन इंटू एक्स वन, और पी टू की वैल्यू थी पी नॉट टू इंटू एक्स टू। बाइनरी सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन का एल्जेब्रिक सम लें एक्स वन प्लस एक्स टू, ये हमेशा कितना आएगा वन, जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन ऐड कर दें तो हमेशा कितना आएगा वन आएगा। तो पी टोटल, कलर में क्या दिक्कत है, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स वन पी नॉट वन प्लस एक्स टू पी नॉट टू बन जाएगा। देयरफोर अगर हम एक्स वन की जगह लिखें, यहां से एक्स वन की जगह लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू, तो वन माइनस एक्स टू इंटू पी नॉट वन प्लस एक्स टू पी नॉट टू, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम सिमिलर टर्म को एक साथ ले आए, जैसे पी नॉट वन माइनस एक्स टू पी नॉट वन प्लस एक्स टू पी नॉट टू, तो पी टोटल का फाइनल रिलेशन हो जाएगा, अगर हम पी नॉट वन यहां लिख लें और हमने यहां से कॉमन ले लिया एक्स टू, तो अंदर क्या बच जाएगा, पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन। और ये हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो गई टोटल प्रेशर निकालने के लिए। ऊपर अगर हम यहां देखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये रहा हमारी इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी वन एंड पी टू वी विल गेट पी टोटल, ये रही वो वैल्यू, ये रही वो वैल्यू, एंड फाइनली दिस वैल्यू। सिंपल सा है। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई बेटा, ये इक्वेशन जो बन गई, इससे हम क्या क्या कंक्लूजन या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे पास अगली स्लाइड मौजूद है। क्या है अगली स्लाइड में कहने वाली बात, ये रही, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन। क्या कंक्लूजन हमें यहाँ मिलते हैं, हम इक्वेशन को यहाँ रिपीट करते हैं तभी तो हम ठीक से बता पाएंगे। तो इक्वेशन थी हमारे पास पी टोटल, यहाँ लिखते हैं रेड कलर, फेवरेट है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस एक्स टू इंटू पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन से या इस लॉ से हम क्या निकालते हैं, तो ये कहता है कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर है तो वेपर्स का प्रेशर होगा तो सॉल्यूशन के ऊपर ही होगा। हम इसको मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। एनी वन कंपोनेंट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिलेशन थी पी टोटल इज इक्वल टू एक्स वन पी नॉट वन प्लस एक्स टू पी नॉट टू, हमने एक्स वन को रिप्लेस किया था, आप चाहें तो एक्स टू को रिप्लेस कर दीजिए, वन माइनस एक्स वन हो जाएगा इंटू पी नॉट टू। तो अब आपके पास पी टोटल किसकी टर्म में आ जाएगी, एक्स वन की टर्म में, ऊपर किसकी टर्म में थी, एक्स टू की टर्म में, तो
कहता है कि कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि किसी एक को तो लेकर चलना ही होगा, तो हम टू को लेकर चलते हैं, जैसा एनसीईआरटी लेकर चल रही है। आप वन को भी लेकर चल सकते थे, गलत वो भी नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम इक्वेशन देखें तो पी नॉट वन कॉन्स्टेंट, पी नॉट टू कॉन्स्टेंट, पी नॉट वन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो पी टोटल विल बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स टू। यहां से आप ये कह सकते थे कि पी टोटल इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स वन। जैसे हमने बताया कि एनसीआरटी सेकेंड कॉम्पोनेंट को लेकर चली है, तो हमने सेकेंड कॉम्पोनेंट को उठा लिया। ये रहा द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। कंपोनेंट टू के साथ वो लीनियरली चेंज करता चला जा रहा है, टू के साथ। आप चाहे तो वन के साथ बना लीजिए, इट विल बी द सेम थिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो क्या नतीजे अभी तक हमने निकाले, क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये रहा इससे कि टोटल प्रेशर एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है, और किस तरीके से डिपेंडेंट है, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म होगा, प्योर फॉर्म होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तक हम टेम्परेचर ना बदले। और ये सारा जो रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही है। तो ये था हमारे पास सेकंड कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन की, और थर्ड कंक्लूजन ये रहा। ये कहता है कि जैसे जैसे हम कंपोनेंट, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन। क्या कहानी कह दी इन लोगों ने, क्या एनसीईआरटी बताना चाहता है इस पॉइंट से? वो कहना चाहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एंड टू है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन एंड टू, मतलब हम यहां लिखते हैं, फिर समझाते हैं। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट वन प्लस एक्स टू इंटू पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन। ये रिलेशन था बेटा। बच्चों ये रिलेशन था हमारे पास। अब वो कहता है कि जो टोटल प्रेशर है, ये इनके प्योर प्रेशर पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे वैल्यू बदलेगी, वैसे वैसे टोटल प्रेशर बदलेगा। तो पहला, अगर हम लाइन को कंक्लूड करें, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज, राइट? उसके बाद कहता है डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन। तो कंपोनेंट वन के हिसाब से हम अगर उसके कंपोनेंट को कम करेंगे, मतलब वन के कंपोनेंट को कम करेंगे या वन के कंपोनेंट को बढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से टोटल प्रेशर भी बदलता रहेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन। यहाँ फिर से पूरी इक्वेशन को लिखें तो इट विल बी एक्स वन पी नॉट वन प्लस एक्स टू पी नॉट टू। तो फिर से आप देख लीजिए कि टोटल प्रेशर एक तो प्योर फॉर्म पर डिपेंडेंट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट पर भी डिपेंडेंट है, वन पर भी है और टू पर भी है, ऐसे तो दोनों पर डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास एक प्लॉट, एक ग्राफ, ये रहा। थोड़ी जगह हमें यहां चाहिए, लेकिन दोनों ग्राफ को हमें साथ में लेना था। ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या सिखाता है, क्या समझाता है, क्या कहने की बात करता है? ये देखो, मोल फ्रैक्शन को लेकर ग्राफ बना है। हमारे पास जो ग्राफ है वो है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस एक्स टू इंटू पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन को लेकर। हम पहले आपको ग्राफ समझाते हैं, फिर इसके बाद जो एनसीईआरटी कहती है उसको रीड आउट करते हैं। अभी हमने ग्राफ लिया ये वाला, बस इसमें ग्राफ का ही एनालिसिस है, तो हम अलग से ग्राफ बना सकते हैं। ये बनाया और हमने ग्राफ लिया बेसिकली तो किसके बीच में, वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन दैट इज एक्स। और हमारे पास यहां मान लो कंपोनेंट वन है, तो अगर वन है एक्स वन की वैल्यू वन हो गई, एक्स वन वन होने का मतलब है, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू वन है। तो अगर एक्स वन वन है तो एक्स टू नेचुरली कितना होगा, जीरो। और एक्स टू जीरो मतलब एक्स टू है ही नहीं, ये किस फॉर्म में हो गया, प्योर फॉर्म। और एक्स टू यहां नेचुरली जीरो होगा। अब अगर यहां पर एक्स टू वन होता तो एक्स वन की वैल्यू जीरो होती, मतलब ये पॉइंट बता रहा है कि प्योर टू है और ये पॉइंट बता रहा है कि प्योर वन है। तो हमें यहां पर एक लाइन और चाहिए ऐसे, और ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे इधर से इधर चलते हैं हम, ऐसे ये ऐसे चल रहे हैं, एक्स वन कम होता जा रहा है और एक्स टू बढ़ता जा रहा है, तो मोल फ्रैक्शन एक्स टू का ये बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे एक्स टू बढ़ता चला जाएगा, एक्स टू बढ़ता जाएगा, एक्स टू बढ़ता जाएगा, एक्स वन कम होता जाएगा, तो एक्स वन की रेस्पेक्ट में प्रेशर कम होता जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी। भाई आपने पानी और अल्कोहल को मिलाया मान लो, या बेंजीन टोलिन को मिलाया, पानी कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ, तो उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम। धीरे धीरे मान लो आपने खत्म ही कर दिया पानी, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका प्योर फॉर्म का प्रेशर कितना होगा, जीरो। सेम आपने मान लो बेंजीन टॉलिन में टॉलिन को कम करते जा रहे कम करते जा रहे कम करते जा रहे, उसका मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहे, तो सॉल्यूशन में उसकी वेपर्स कम बनेंगी या उसके रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और मान लो टॉलिन है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना होगा, जीरो। तो जब एक्स वन वन है तो इसका मतलब ये कोई पॉइंट लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास पी नॉट वन। और जब एक्स टू वन है तो ये हो गया हमारे पास पी नॉट टू। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, यहां पर हम लिख सकते हैं दैट पी नॉट वन इज लेस देन पी नॉट टू। तो जो ज्यादा वेपर्स बनाएगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर देगा, ज्यादा वेपर्स बनाएगा मतलब ज्यादा वॉलेटाइल होगा, जिसकी वेपर ज्यादा बनेंगी ज्यादा जल्दी उड़ेगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर्स का ज्यादा वेपर्स बन जाएंगे। तो जिसका भी वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा आ जाता है वो मोर वॉलेटाइल, यानी टू कंपोनेंट इज मोर वॉलेटाइल। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को मीट कराएं, देखो जैसे जैसे इस पॉइंट पर हैं हम, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन एक्स वन का कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा ऐसे। और जब एक्स वन जीरो तो इसका वेपर प्रेशर भी जीरो। सिमिलरली अगर हम यहां पर एक्स टू को लें इस पॉइंट पर, तो एक्स टू मैक्सिमम है, जैसे जैसे इधर एक्स टू कम होता जा रहा है, ये देखिए हमारा कर्सर चल रहा है, एक्स टू कम होता जा रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जब एक्स टू जीरो तो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो। लीनियर फंक्शन है। और अगर हम इन दो लाइंस को जोड़ दें, इन पॉइंट्स को, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टोटल प्रेशर। तो ये पार्ट था हमारा किसको लेकर, टू कंपोनेंट, ये पॉइंट था किसको लेकर, वन, और इसको हम थ्री लिख देते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पी टोटल, विच इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पी वन प्लस पी टू। जो हमारी ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करती है पी टू इज इक्वल्स टू एक्स टू पी नॉट टू। और जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट कंपोनेंट के प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर, इस तरीके से। तो अब एनसीईआरटी क्या कहती है, अ प्लॉट ऑफ पी वन और पी टू वर्सेस द मोल फ्रैक्शन एक्स वन और एक्स टू एंड एक्स टू फॉर द सॉल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट शोन इन दिस फिगर। ये रहा, ठीक है जी, दिया
दीज लाइंस वन एंड टू, वन एंड टू मतलब इसकी बात की गई, इनकी बात की गई, टू एंड वन, पासिस थ्रू द पॉइंट एंड रेस्पेक्टिवली व्हेन एक्स वन एंड एक्स टू इक्वल टू यूनिटी। तो एक्स वन यहां पर यूनिटी और एक्स टू यहां पर यूनिटी, उसी पॉइंट से गुजर रही है, पास हो रही है। ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स टू इज ऑल्सो लीनियर। ये देखो पी टोटल वर्सेस एक्स टू का ग्राफ हमें कैसा मिला, ये देखो लीनियर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल, हाँ जी, तो पी टोटल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो पी टोटल की मिनिमम वैल्यू है ये और मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो मिनिमम कब मिलेगा आपको, जब एक्स टू जीरो होगा, और मैक्सिमम कब मिलेगा, जब एक्स वन जीरो होगा। पी टोटल यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, यानी पी टू, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट वन इफ एक्स टू इज जीरो, एंड पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट टू इफ एक्स वन इज जीरो। अब इन दो में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, सेकेंड कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज पी नॉट वन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज पी नॉट टू, एज्यूमिंग दैट द कंपोनेंट वन इज लेस वॉलेटाइल देन द कंपोनेंट टू। तो ये हमें यहां पर पूरे ग्राफ में बात की। आई होप इतना पार्ट आपको समझ आया। डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को मिलाकर, तो डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में अब हम यहां बात करेंगे। तो आप फिर से एक बार कंसीडर कर लीजिए इस पार्ट। हमारे पास यहां पर एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू, बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड, और इसको हमने यहां से कर दिया है बंद ऐसे। कंपोनेंट ए और बी बोथ आर वॉलेटाइल, तो दोनों की वेपर्स यहां पर आपको मिलेंगी, कंपोनेंट वन की भी वेपर्स मिल जाएंगी और कंपोनेंट टू की भी वेपर्स मिलेंगी, रेड और ग्रीन कलर। तो जो हमारे पास यहां वेपर फेज है, इस वेपर फेज में कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू दोनों, ये जो लिक्विड फेज है इसमें भी हमारे पास कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू। लिक्विड फेज में जो कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स वन और कंपोनेंट टू का मोल फ्रैक्शन है एक्स टू। वेपर फेज में कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन है वाई वन एंड वाई टू फॉर सेकेंड कॉम्पोनेंट, क्योंकि कॉम्पोनेंट ए लिक्विड में भी है वेपर में भी। तो यहां हम लगा सकते हैं डाल्टन्स लॉ और यहां हम लगाएंगे राउल्ट्स लॉ, यहां लगाएंगे हम राउल्ट्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है, डाल्टन्स लॉ जो हम पहले भी बता चुके हैं, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट वन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू इनटू टोटल प्रेशर, जहां वाई वन एंड वाई टू आर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है किसके, ऑफ ए वन एंड टू कंपोनेंट, ऑफ वन एंड टू कॉम्पोनेंट इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट। और अगर ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दे तो बन जाएगा पी टोटल विच इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू ऐसे। अगर हम राउल्ट्स लॉ को यूज करें तो राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट वन एंड पी टू इज इक्वल टू एक्स टू पी नॉट टू। अब ये इक्वेशन थ्री बन गई और ये इक्वेशन फोर बन गई, ये थ्री इक्वेशन, ये फोर इक्वेशन, तो वन और थ्री के
एनएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होंगे। इक्वेशन टू और फोर के एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होंगे, यानी वन एंड थ्री से आप लिख सकते हैं वाई वन पी टोटल इज इक्वल टू एक्स वन पी नॉट वन, और टू एंड फोर से आप लिख सकते हैं वाई टू पी टोटल इज इक्वल टू एक्स टू इंटू पी नॉट ऑफ टू। तो आपके पास अब मोल फ्रैक्शन इन पेपर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट का ये एक रिलेशन बन गया जो यहां पर पूरा दिखाया हुआ है। इसको अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये लीजिए जी, न्यूमेरिकल है आपकी नजरों के सामने। क्या है ये न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 एंड 415 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। तो जो गिवन डाटा है यहाँ बराबर में लिख लेते हैं। क्या गिवन डाटा है? हमें वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवन है, कितना वैल्यू 200। तो पी नॉट ऑफ सी एच सी एल थ्री इज 200 mm एंड पी नॉट ऑफ सी एच टू सी एल टू वो दिया है 415। तो यहां से हम यही कंक्लूजन निकाल लें कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो मोर वॉलेटाइल है। तो डाई क्लोरो मीथेन मोर वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ दिस वन। तो आपको निकालना क्या है पहले पार्ट में? पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी टोटल निकालना है। पी टोटल के लिए आपको चाहिए पी वन प्लस पी टू, और पी वन होगा एक्स वन पी नॉट ऑफ सी एच सी एल थ्री, और पी टू होगा एक्स टू इंटू पी नॉट ऑफ सी एच टू सी एल टू। ऐसे आपको वेट दिया हुआ है 25 ग्राम एंड 40 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एन वन निकालते हैं। एन वन किसके लिए? क्लोरोफॉर्म के लिए। तो क्लोरोफॉर्म का वेट दिया है आपको 25.5 ग्राम डिवाइड बाय एम नॉट। क्लोरोफॉर्म का एम नॉट है 25.5 बाय 119.5, मोल्स आ गए 0.213। और एन टू निकाल लेते हैं, ये आएगा 40 डिवाइड बाय एम नॉट। तो ये बन जाएगा आपके पास 40 डिवाइड बाय 85, वैल्यू टोटल हो गई 0.47। ये मोल्स हो गए, हमारे पास मोल्स हो गए, लेकिन हमें मोल्स नहीं, हमें तो मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम एक्स वन निकालते हैं तो एक्स वन है हमारे पास 0.213 बाय 0.47 प्लस 0.213। अब आपको जरूरत नहीं है बताने की कि इट इज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और अगर अब हम यहाँ वैल्यू निकालें इसकी तो वैल्यू आती है 0.312। और अगर हम एक्स ऑफ सी एच टू सी एल टू निकाले तो 1 माइनस 0.312 इट विल बी 0.688। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। बस डाटा पुट करना है आपने। क्या डाटा है यहाँ पर? ये रहा डाटा हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करनी है आपने, और ये हम बाइफर्केशन कर लेते हैं और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास पी टोटल चाहिए, तो पी टोटल की वैल्यू हो गई एक्स वन पी नॉट वन प्लस एक्स टू पी नॉट टू। तो एक्स वन ये रहा, यानी ये क्लोरोफॉर्म के लिए था। तो एक्स वन की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 0.312। और क्लोरोफॉर्म का प्रेशर कितना दिया हुआ है? 200 प्लस एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू है हमारी किसके लिए? इसके लिए। और ये वैल्यू है हमारे पास 0.688 × 415। दैट्स इट।
फाइंड द आंसर। तो आंसर आया हमारा 347.9 mm ऑफ HG, ये टोटल प्रेशर आ गया सिंपल एकदम। ये पहला पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है आपने कि पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो आपको इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है Y1 एंड Y2 वेपर फेज का। और वेपर फेज को निकालने के लिए आपको चाहिए P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल, Y1 इंटू पी टोटल। तो Y1 इंटू पी टोटल के लिए हमें ये यहां से आएगा, कैसे आएगा देखिए बेटा, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है ये और P2 की वैल्यू है ये, देखो यहीं से आया। तो P1 हो गया X1 P01 इज इक्वल टू Y1 इंटू 348 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो यहीं से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। X1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, X1 की वैल्यू थी, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ये लीजिए, X1 की वैल्यू थी हमारे पास 0.312 और P01 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 200। Y1 हमें नहीं पता लेकिन ये है हमारे पास 348। तो Y1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ये कैलकुलेट करना है। Y1 किसके लिए था, क्लोरोफॉर्म के लिए, तो क्लोरोफॉर्म के लिए वैल्यू आई 0.18। अब एक बार क्लोरोफॉर्म की वैल्यू आ ही गई है तो Y1 प्लस Y2 इज इक्वल्स टू 1, तो Y2 कितना हो गया 1 माइनस Y1, दैट इज 1 माइनस 0.18, दैट इज 0.82। और 2 किसके लिए था हमारे पास, ये 2 था CH2Cl2, CH2Cl2 हो गया सॉल्व। तो कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल कौन है इनमें से, अगर हम देखें तो कंपोनेंट हमारे पास ये ज्यादा वॉलेटाइल है, दिस वन इज मोर वॉलेटाइल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है, पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं राउंड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउंड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्या है राउंड्स लॉ एज अ स्पेशल केस। इसमें तो हमने देखो, पहले तो हम क्या करते हैं कि राउंड्स लॉ की बात करते हैं, राउंड्स लॉ क्या कहता है, राउंड्स लॉ, राउंड्स लॉ कहता है पी इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट, जहां पी पार्शियल प्रेशर और पी नॉट प्योर फॉर्म का प्रेशर और एक्स है मोल फ्रैक्शन। अगर कंपोनेंट 1 है तो P1 इज इक्वल टू X1 पी नॉट ऑफ 1, कंपोनेंट 2 है तो P2 इज इक्वल टू X2 इंटू पी नॉट ऑफ 2, ऐसे बन जाएगा हमारे पास ये राउल्ट्स। दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल और दोनों की फेज इवेपोरेट भी होती है, मतलब लिक्विड फेज वेपर फेज में भी जाता है। तो हमने एक कंपोनेंट ए लिया और बी लिया, दोनों लिक्विड है, बोथ कैन बी वॉलेटाइल, ये भी वॉलेटाइल है ये भी वॉलेटाइल। ऐसा हम मान सकते हैं कि हमारे पास ए और बी में बी कुछ हाईली वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल, बी की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि ये इमीडिएट किस में पहुंच जाता है, गैस। तो इसका मतलब एक कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, गैस, और एक तो है ही लिक्विड। तो यही तो था हमारे पास, कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में हम किसको रखते थे, एक गैसेस फॉर्म को रखते थे। और हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो जरा इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंपेयर कर लीजिए, ये रिलेशन यहां ड्रैग करके लाए तो P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स, यहां ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और यहां ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये फॉर गिवन लिक्विड एंड दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये दो लॉ एकदम सेम है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसमें हमारे पास गैस कांस्टेंट आ जाता है, इसमें लिक्विड का पार्शियल प्रेशर आ जाता है।
तो अब अगर हम यहां पर पढ़ें, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके जी, हम जानते हैं इसको। तो इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वॉलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस। जैसे हमने कहा सो वॉलेटाइल इट एग्जिस्ट एज अ गैस, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ स्टेट दैट। तो ये वाले कंडीशन हम हेनरीज लॉ को अप्लाई कर चुके हैं। If we compare the equation for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in the solution. तो ये कहना चाहते हैं कि चाहे अब हम Raoult's law ले लें, ये भी proportional to mole fraction है, Raoult's law, और partial pressure is proportional to mole fraction, ये है Henry's law. दोनों केस में same relation है, proportionality constant अलग है. Now only the proportionality constant kh differ from p not 1, thus law become a special case of Henry's law in which kh becomes equal to p not of 1. Simple sa equation tha. To hume karna kya hoga ki kaise isko explain karenge? Hum likhenge pehle Raoult's law ye hai, Henry's law ye hai, and both are proportional to mole fraction. Henry's law ka constant hai kh, jo gas constant hai, aur iska constant hai p not of liquid. Raoult's law दोनों को इक्वेट कर दिया, दैट्स इट। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे किसकी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे बेटा। क्या है ये बातें, बातें ही बातें हैं, और क्या है बातों बातों में सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, बातों ही बातों में सब काम हो जाएगा। देखो क्या कहना चाहते हैं, अब हमने अभी तक जो बात की बेटा वो बात की है बच्चों, हमने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाया था और लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन बनाया था, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो काम खत्म, बीते दिनों की बात हो गई। अब हम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब हम सॉलिड जैसे शुगर, यूरिया, NaCl, ग्लूकोज, इनको मिलाएंगे लिक्विड में, बनेगा तो अभी बाइनरी, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉलिड है जो नॉन वॉलेटाइल और लिक्विड नेचुरली वॉलेटाइल। लिक्विड क्या है हमारे पास, वॉलेटाइल। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है वो है वॉलेटाइल लिक्विड और जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। इसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बाइनरी के लिए, जैसा यहाँ मेंशन भी किया गया है आपको। अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर इन वॉटर एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। इंपॉर्टेंटली देख लीजिए कि आयोडीन और सल्फर को किसमें डिजोल्व किया है, कार्बन डाइसल्फाइड में। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम पानी वॉटर ले लें लिक्विड स्टेट प्योर वॉटर और इसको हमने एक कंटेनर में बंद कर दिया, प्योर लिक्विड है यहां, तो इसकी वेपर्स बनेंगे और ये होगा पी नॉट ऑफ एच टू। इसके अंदर आपने मान लो शुगर डिजोल्व कर और अब बना लिया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हम सुंदर सा यहां पर ड्रॉ कर सकते। ये रहा हमारा वही कंटेनर और ये वाटर मॉलिक्यूल और इसके अंदर हमने डाल दिए शुगर के पार्टिकल, राइट। ये क्लोज कर, तो अब भी क्योंकि वॉलेटाइल कौन है, वॉलेटाइल है लिक्विड, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो जो ये ग्रीन कलर का वाटर बनाया है हमने यही इवेपोरेट करेगा। तो अब यहां जो आएगा वो आएगा P of water.
ऑफ वाटर वेपर प्योर फॉर्म का और ये है सॉल्यूशन फॉर्म का। तो ये कहना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर बदल जाएगा या चेंज होगा या उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे और कैसे होंगे इसके लिए हमें जानना होगा। नेक्स्ट पेज। तो अब हम जा रहे हैं किस पर, अगले पृष्ठ पर, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज पर और इसके नेक्स्ट पेज पर, यहां पर हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। तो अभी जो ये कहना चाहते हैं उसके बारे में हम यहां बात करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ तो है जो हम कहना चाहते हैं, कुछ समझो तो हम समझाएं। जो हम कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देखिए। अभी यहाँ हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में भी हमने आपको सिखाया बताया कि अभी ये ऐसी कंडीशन है। तो जो प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर ही मान ले, कोई और भी हो सकता है, वो पूरा इस कंटेनर में फैला हुआ है और यही इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस और यहां आता है पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर वेपर। विजिबल है मेरे ख्याल से, नहीं तो कलर बदल लेते। एंटायर सरफेस, पूरी सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है जी, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने जैसे इसमें क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया सॉल्यूट, सॉल्यूट जैसे मान लो शुगर डाल। अब शुगर डालने से होगा क्या, कुछ तो होगा, क्या होना है ये यहां पर। जब हम चीनी या कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो क्या होता है, वही होता है जो इससे आगे नहीं, राइट। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ऐसे कलर और भी अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश येलो करते हैं, जिससे दिख जाए। तो सरफेस का कुछ पार्ट शुगर ने ऑक्यूपाई कर, सरफेस का कुछ पार्ट। देखो पहले तो पूरी सरफेस पर वाटर था इधर, लेकिन इस सरफेस पर अब वाटर भी है और साथ में ये वाटर भी है और साथ में क्या है हमारे पास, ये येलो कलर वाला पार्ट सॉल्यूट। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया प्योर सॉल्वेंट के लिए कम हो जाता है, सरफेस एरिया प्योर सॉल्वेंट के लिए कम हो जाएगा। पहले तो यहां देखो, यहां सारा वाटर ही था, ये देखो, लेकिन अब वाटर के साथ नॉन वॉलेटाइल शुगर, फिर वाटर, फिर शुगर, फिर वाटर, फिर शुगर, फिर वाटर, फिर शुगर। तो सरफेस वाटर के लिए तो है लेकिन इफेक्टिवली कम हो गई, जिससे इसका इवेपोरेशन, यहां ज्यादा था इवेपोरेशन, ये देखो, ये देखो, लेकिन यहां इवेपोरेशन कम होगा। और इवेपोरेशन कम होने से पी नॉट, सॉरी, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन बन गया, पी ऑफ वाटर वेपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने ब्लॉक कर दी, ये सॉल्यूट है, ये इवेपोरेट नहीं होगा, ये भी 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 नहीं होगा। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज कर जाएगा, जैसा यहां पर भी आपको दिखाया गया है, ये देखो। तो अब हम उसी को पढ़ लेते हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। क्या कहना चाहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट तो इवेपोरेट होता नहीं है, तो इसका पी नॉट जीरो,
इसका पी जीरो, तो सॉल्यूट जब प्रेशर टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो प्रेशर सिर्फ किसका होगा? सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन को अगर हम लिखते हैं तो ये पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू लिखा जाता है। पी टू मान लो सॉल्यूट के लिए है और ये सॉल्वेंट के लिए है। तो सॉल्यूट तो इवेपोरेट कर नहीं रहा, नॉन वोलेटाइल है, तो ये जीरो हो गया। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो गया? सॉल्वेंट। तो यही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोनली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो यहाँ डायग्राम में भी समझाया गया ये, क्योंकि ये क्या आ गया? सॉल्यूट आ गया और सॉल्यूट ने सरफेस को ब्लॉक कर दिया। सरफेस ब्लॉक हो गई तो वाटर तो, या ये तो जा सकता है, यहां तो पूरा जा रहा था देखो, लेकिन अब ये इवेपोरेट नहीं कर रहा, ये इवेपोरेट नहीं कर रहा। तो एट द सेम टेम्परेचर इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सरफेस पर दोनों मॉलिक्यूल आ गए, सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो गई। पहले पूरी सरफेस पर सॉल्वेंट थे, अब पूरी सरफेस पर सॉल्वेंट नहीं है, बीच बीच में कौन आ गया? ये देखो सॉल्यूट आ गया, राइट। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। और अगर यहां देखो, यहां ज्यादा गैस की पार्टिकल ने वेपर किए, यहां कम है, तो इसका प्रेशर यानी पी नॉट इज मच ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर, दस द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, राइट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो क्या बताता है, कैसे वो डिक्रीज हुआ, किस बारे में वो बात करता है? द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्वांटिटी से मतलब है कि जैसे हमने लिया 1 लीटर पानी, हमने इसके दो अलग अलग सॉल्यूट डालकर सॉल्यूशन बना। फर्स्ट केस में मान लेते हैं हमने यहां 1 मोल सुक्रोज डाला और इसमें 1 मोल यूरिया डाला और ये हमारे पास है 1 लीटर या 1 केजी वाटर। अब हमने दो सॉल्यूशन बना लिए यहां से, दो सॉल्यूशन, एक ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे और इसके अंदर वही वाटर मॉलिक्यूल और 1 मोल सुक्रोज ऐड किया है, 1 मोल सुक्रोज ऐड कर दिया आपने यहां पर। 1 मोल सुक्रोज ऐड करेंगे तो सुक्रोज के पार्टिकल यहां ऐसे आ जाएंगे, अंदर भी होंगे लेकिन इवेपोरेशन तो सरफेस से होता है। तो पहले सरफेस हमारे पास ज्यादा अवेलेबल थी, अब सरफेस कम अवेलेबल, तो यहां से वाटर इवेपोरेट तो करे, यहां से बहुत ज्यादा इवेपोरेशन, लाइक दिस। अब 1 मोल यूरिया डालें आप, अगर हम 1 मोल यूरिया डाल दें तो 1 मोल यूरिया डालने से क्या होगा? 1 मोल यूरिया डालने से भी वो सरफेस को ब्लॉक कर, तो अभी हमने क्या किया, यहां वाटर फिर से डाल दिया, लेकिन इस बार बीच में हमने किसको भर दिया यहां, इस बार बीच में हमने भर दिया यहां ऐसे, इस तरीके से, बाकी तो वही है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम 1 मोल चाहे तो सुक्रोज डालें या 1 मोल यूरिया डालें, सरफेस जो वाटर के लिए अवेलेबल होगी वो ऊपर और नीचे के केस में बराबर ही होगी, यहां दोनों इक्वल होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सुक्रोज डाला या यूरिया डाला। अगर अमाउंट सेम डाला है तो सेम सरफेस ब्लॉक होगी, सरफेस सेम ब्लॉक होगी तो वाटर का इवेपोरेशन सेम रेट से कम होगा,
ऐसा नहीं कि सॉल्यूट बदल दिया, सुक्रोज और यूरिया डाल दिया तो कुछ और चेंजेस होंगे। मतलब आपने यहां अगर शुगर डाला या सुक्रोज डाला और यहां यूरिया डाला, तो यूरिया के पार्टिकल भी उतने ही है जितने सुक्रोज के हैं, इन्होंने भी उतनी ही जगह घेर ली, ऑक्यूपाई कर ली जितनी यहां ऑक्यूपाइड है, तो बराबर ऑक्यूपेंसी है। वाटर के लिए भी फिर सरफेस लिमिटेड हो गई, तो जितना इवेपोरेशन यहां उतना ही इवेपोरेशन यहां, मतलब सेम रेट से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, सुक्रोज है या यूरिया। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg वाटर इज नियरली सेम टू दैट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये बात यहां पर खत्म होती है कि हम अमाउंट वाटर का फिक्स कर लें, मोल्स अलग अलग सॉल्यूट के ले लें, लेकिन बराबर लें, तो जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा वो बराबर ही होगा। दिस इज वॉट अबाउट द ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम, कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका राउंड्स लॉ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ग्राफ किस तरीके से वैरी करेगा। तो यही है हमारे पास इस पार्ट का लास्ट कंक्लूसिव फॉर्म। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, LSS ध्यान से। ओके, अब हम क्या करते हैं कि राउंड्स लॉ इन जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये यहां कहना चाहते हैं कि राउंड्स लॉ करते करते हम बता चुके हैं कई बार, P1 इज इक्वल टू X1 P01 एंड P2 इज इक्वल टू X2 P02, राइट। अब मान ले हमारे पास एक सॉल्यूट है जो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल, और एक है सॉल्वेंट जो लिक्विड है और वॉलेटाइल। तो ये पार्ट कंपोनेंट 1 और ये पार्ट कंपोनेंट 2, ऐसा मान लेते हैं। तो जो नॉन वॉलेटाइल है, जिसकी वेपर्स ही नहीं बन रही, जो इवेपोरेट ही नहीं हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0। दैट इज P2 की वैल्यू 0, तो ये P2 की वैल्यू 0। तो अगर हम लिखें P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P2 टेंड्स टू 0, तो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 विच इज इक्वल टू X1 P01। ये होगा हमारे पास रिलेशन इन द केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इफ वी एड राउल्ट्स लॉ का एक मॉडिफिकेशन। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1, जैसा हमने यहां लिया, एंड सॉल्यूट बाय 2 व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। ये देखिए, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज, भाई जो इवेपोरेट नहीं कर रहा उसका पार्शियल प्रेशर 0, उसकी वेपर्स नहीं आएंगे, एंड कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर। लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये रहा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। X1 बी द मो इट्स मोल फ्रैक्शन, P01 इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, यानी यही हो जाएगा हमारे पास P1। अब हम देखते हैं कि हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, यहीं पर या अगले पेज पर चले जाते हैं। चलिए अगले पेज पर जाते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ था, उस ग्राफ को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करें तो हमें क्या मिलने वाला है। देखो जी, अगर हम ग्राफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ ऐसा था, अगर आपको याद होगा तो। और इधर हमारे पास मान लो X1 1 और X2 0, इधर X2 1 और X1 0, ये ग्राफ था। लेकिन जो 2 कंपोनेंट है वो तो है नॉन वॉलेटाइल, तो इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, जो
जो भी प्रेशर होगा इसका एक्स वन कॉम्पोनेंट का होगा, और जैसे ही एक्स वन कॉम्पोनेंट टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, उसका वेपर प्रेशर भी ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा इस तरीके से। तो अब आपको सिर्फ यही एक ग्राफ मिलेगा, दूसरा ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल है, जो इवेपोरेट ही नहीं कर रहा है, उसका पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। उसकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो सिर्फ कंपोनेंट एक्स वन ही वॉलेटाइल है, यानी हमारा सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट जैसे जैसे कम होता जाएगा उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा, जैसे ही सॉल्वेंट खत्म वेपर प्रेशर भी जीरो। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ आपको किसके लिए मिलेगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा, राइट।